गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ दो साझे की खेती के अभ्यास में आने वाले शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अन्य गतिविधियों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है आइए शब्दों के अर्थ जाने। डग भरना यानी कि कदम बढ़ाना। बबूला बाजरे का भूसा। मढ़ाई भूसे और अनाज को अलग करना। सिट्टे बाजरे का दानेदार हिस्सा। लामणी फसल की कटाई, जब हम फसल की कटाई करते हैं तो उसे लामणी बोलते हैं। अब आगे है क्वेश्चन कहानी से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौआ रोज उसी पेड़ पर क्यों आने लगा? आंसर आएगा, कौआ पेड़ पर रहने वाली भोली भाली चिड़िया से मित्रता करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, इसलिए वह रोज उस पेड़ पर आने लगा। ख क्वेश्चन है, कौवे ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? आंसर आएगा, कौवे ने चिड़िया को यह कहकर राजी किया कि हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। ग क्वेश्चन है, चिड़िया के खेत चुनने से लेकर फसल पकने तक के कामों को कर्मानुसार लिखें। तो देखिए यहाँ पर कामों को दे रखा है, मढ़ाई, लामणी, बिजाई, हल चलाना, तो हमें इनको कर्म अनुसार लगाना है। तो देखिए बच्चों, इन कामों में सबसे पहले हल चलाना आएगा, सबसे पहले हल चलाया गया, फिर आएगा उसके बाद बिजाई यानी कि खेत में बीज बोए गए, उसके बाद है फसल पककर तैयार हो गई, तब उसमें लामणी की गई। लामणी का मतलब होता है फसल को काटना, और उसके बाद आएगा मढ़ाई, मढ़ाई की, मढ़ाई का मतलब होता है बच्चों भूसे और अनाज को अलग करना, तो सबसे लास्ट में जो है मढ़ाई का काम किया जाता है। अब आगे है, कौआ चिड़िया के साथ काम करने क्यों नहीं जाता था? कौआ आलसी और कामचोर था, इसलिए वह चिड़िया के साथ काम करने नहीं जाता था। अब आगे देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन है आपकी बात। आपकी बात में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, और इन आपकी बात में जो क्वेश्चन आते हैं वो जो है आपको ही उनके आंसर बताने होते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि आप इनके आंसर किस तरह से देंगे। तो देखिए हमारा क क्वेश्चन है, यदि कौवे के स्थान पर आप चिड़िया के साथ साझे की खेती करते तो क्या क्या करते? तो बताओ बच्चों मुझे क्या क्या काम करते। तो आप चिड़िया के साथ हर काम मिल बांट कर करते, है ना, चिड़िया को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होने देते। अब देखिए ख क्वेश्चन है, कौवे ने बबूले का ढेर चुना, जब उसे उसकी असलियत पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? तो बताओ बच्चों, कौवे ने झट से बबूले को ढेर को चुना था, है ना, और उसे पता ही नहीं था कि ये बबूले का ढेर है, यानी कि बबूला होता है भूसा, अनाज निकालने के बाद जो भाग बच जाता है वो भूसा होता है, तो वो बहुत पछताया होगा, लेकिन हो सकता है उसने अपने आप को, अपने मन को तसल्ली भी दी होगी कि उसने खेत में कोई काम ही नहीं किया था, तो चलो कोई बात नहीं, कुछ अनाज ना मिला तो कोई बात नहीं, है ना। अब आगे देखो, अनुमान लगाकर बताइए कि कौवे ने बबूले के ढेर को क्यों चुना होगा। तो बताओ बच्चों,
अनुमान लगाओ। बबुले का ढेर बाजरे के दानों के ढेर से बड़ा था, है ना? बाजरे का ढेर छोटा सा था और बबुले का ढेर था पूरा बड़ा, इसलिए वो लालच में उसने बबुले का ढेर चुना होगा। आगे देखिए, जब भी चिड़िया ने कौवे को काम करने के लिए बुलाया, उसने कोई न कोई बहाना बना दिया। सोचकर बताएं, उसने कौन कौन से बहाने बनाए होंगे? तो कौन कौन से बहाने बनाए थे बताओ बच्चों, पाठ में भी आए है ना। एक बार तो उसने कहा था कि चलो तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, और एक बार कहा था बस मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ, है ना। और किसी बार कहा होगा कि मेरी तबीयत आज बहुत खराब है इसलिए मैं नहीं आता हूँ, है ना। ये बहाने उसने बनाए होंगे। अब आगे, क्या आपने कभी कोई पौधा लगाकर उसकी देखभाल की है? यदि हाँ तो अपने पौधे के बारे में बताइए, यानी कि यहाँ पौधे का नाम लिखना है, जैसे कि कौन सा पौधा लगाया आपने, कब लगाया और कैसे देखभाल की, यहाँ पर लिखना है। अब वह कितना बड़ा है और उसे देखकर आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो ये सब बातें आपको बच्चों ये खुद ही लिखनी है। आगे है भाषा की बात। चिड़िया ईमानदार थी। इस वाक्य में ईमानदार शब्द ईमान प्लस दार से बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाएं। समझ प्लस दार क्या बन जाएगा? समझदार। खबर प्लस, अब हम इसके भी दार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ? खबर प्लस दार, खबरदार। अब है ये दाग प्लस दार तो क्या बनेगा बताओ? दाग दार। अब आगे है पहरे प्लस दार, बताओ बच्चों क्या बन जाएगा दोनों को मिलाएंगे तो? हाँ, पहरेदार। अब आगे क्वेश्चन है कि कौवे ने आओ देखा न ताओ, झट से उड़कर बबुले के ढेर पर जा बैठा। आओ देखा न ताओ एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाएं। तो हमें कुछ वाक्य बनाने हैं बच्चों। आओ देखा न ताओ का मतलब समझो पहले तो, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे। तो देखो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं, श्याम ने आओ देखा न ताओ राहुल को थप्पड़ मार दिया। और दूसरा है वाक्य हमारा, गीता ने आओ देखा न ताओ कुएं में छलांग लगा दी। तो इस तरह से इससे रिलेटेड इसी तरह के आपको भी अपने वाक्य बनाने हैं, लेकिन बच्चों आपको इनकी नकल नहीं करनी है, अपने आप खुद से ही वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर और उसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर वो सब समझाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको इस पाठ का अभ्यास, उसमें आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर और अदर एक्टिविटीज अच्छी तरह से समझ आ सके। आपको सबसे पहले इसमें दिए गए शब्दार्थ को समझना है और उसको भी लिखना है, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए, और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखने हैं और फिर याद करने हैं। और जितनी भी मैंने एक्टिविटीज करवाई है इसमें भाषा की बात में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब भी आपको अच्छी तरह से समझना है। और बच्चों अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इसका एक और भी फायदा होगा बच्चों, आपको ट्यूशन के लिए भी कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन पर कुछ पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर आप जो भी आपके सिलेबस के अनुसार लेसन है हर विषय के, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस,
मैथ हर विषय की जो है वीडियोस आपको के सिलेबस के अनुसार मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।